लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी ने शुरू किया कम्युनिटी किचन, हर दिन हजारों मजदूरों को मिल रहा भोजन। कोरोना का लॉकडाउन मजदूरों और गरीबों के लिए बड़ा संकट बन रहा है। हालांकि इस संकट में कुछ मदद के मसीहा ऐसे भी हैं जो हर दिन हजारों लोगों का पेट भर रहे हैं। तुर्बेम आईडीसी क्षेत्र के गणपति पाड़ा में चल रहा यह कम्युनिटी किचन ऐसे ही लोगों की भूख मिटाने का जरिया बन रहा है। इसे चालू कराने वाले नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी बताते हैं कि यहाँ हर दिन 1200 से 1500 श्रमिकों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के जरिए यहाँ घर जैसा भोजन बनता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सबको मुफ्त में बांटा जाता है ताकि कोई भी भूखा ना सोने पाए। वरिष्ठ शिवसेना नगर सेवक ने भरोसा दिलाया कि जब तक लॉकडाउन है यह अन्य सेवा जारी रहेगी। आदरणीय हमारा मुख्यमंत्री के माध्यम से पालक मंत्री शिंदे साहब के माध्यम से वैसे चौगुले साहब है, विजय नाटा जी है, विट्ठल मोरे साहब है, ये सब के आदरणीय हमारा खासदार साहब का माध्यम से सब हम लोग ने ये कार्यक्रम हम लोग धान्य वाटप का कार्यक्रम चालू किया। उस जगह पे क्वारी परिसर में इन लोग बाद में धान्य वाटप का काम खत्म हो गया। उस दिन हमारा ये कार्यकर्ता का कहना ऐसा हो गया कि दादा यहाँ पर क्वारी परिसर में लोग को खाना नहीं मिल रहे, आज बहुत बड़ा दिक्कत हो गया कि आप अगर खाना चालू करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। गया 15-20 दिन से हमारा ये खाना चालू है और खाना योग्य तरीके से इन लोग खाना बनाते, जहाँ पर अपन घर में खाना बनाते वो हिसाब से जैसे अपन खाना चाहिए, कल खाना बना के कुछ भी कैसे भी कच्चा पक्का खाना बना के किसको खिलाने से अच्छा उस जगह पे कि उस जगह पे इन्होंने डिसीजन लिया दादा आप खाना की व्यवस्था करो, हम लोग सब इसका नियंत्रण देखेंगे, हम सबको खाना भी बांटेंगे और बना के भी लेंगे। यहाँ पर पूरा हमारा गांधीनगर, चुनाबट्टी, बोनसोरी, यहाँ पर महावीर क्वारी, ये जितने भी क्वारी परिसर में उनका बहुत बड़ा दिक्कत है खाने का। उस जगह पे महानगर पालिका का माध्यम से भी खाना चालू है कि उस जगह पे उतना कुछ लोगों पर पहुंचता नहीं। कार्यकर्ता के कहने पे ये हम लोग ने खाना चालू किया, आज सभी कार्यकर्ते दिल से काम कर रहे हैं और खाना बनाते हैं, सबको खाना बांटते, आज इस पूरा भी यहाँ पर सब लोग क्वारी का परिसर के सब दवाई लेके आएंगे, वो खाना लेके जाएंगे। बता दें कि तुर्बे इलाका MIDC के बीच बसा है। यहाँ गणपतिपाड़ा, बोनसरी समेत दर्जनों ऐसी बस्तियां और पत्थर खदानें हैं जहाँ हजारों लोग निवास करते हैं। यहाँ सफाई मजदूर हों या कामगार, सबके लिए नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी की ओर से मुफ्त राशन और मजदूरों के लिए भोजन का इंतजाम किया गया है। इस मानव सेवा के लिए नागरिक भी अपने नगर सेवक के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। फाउंडेशन संस्थेच्या अंतर्गत दादाच्या सहकार्याने महानगरपालिकेतील 40 सफाई कामगारांना राशन देण्यात आले आणि सगळ्या गरजू लोकांना राशन मिळाले, त्यामुळे त्यांनाही अतिशय आनंद झाला। या सगळ्या कामामध्ये जे आमच्या इथले जे दादा आहेत सुरेशजी कुलकर्णी साहेब नगरसेवक, त्यांचं खूप सहकार्य होतं आणि त्यांच्या सहकार्यामुळेच हे सगळं यशस्वीरित्या पार पाडण्यामध्ये मदत झाली आणि खूप छान पद्धतीने हा कार्यक्रम पार पाडला। आणि या लॉकडाऊनचा परिणाम जे रोज कमवतात, हातावरचं ज्यांचं पोट आहे, नाका कामगार आहेत, नाका मजूर आहेत, बेरोजगार बिगार काम करणार आहेत, अशा लोकांचा पोटापाण्यावरती या लॉकडाऊनचा परिणाम झालेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये या लोकांच्या पोटापाण्याचा विचार करून या एरियाचे गणपतीपाड्याचे स्थानिक नगरसेवक सन्माननीय कार्यसम्राट सुरेश कुलकर्णी साहेब यांनी कमीत कमी दररोज एक वेळेस तरी या गरीब लोकांना भरपेट अन्न मिळालं पाहिजे, भोजन मिळालं पाहिजे हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून, हे ध्येय उराशी बाळगून या ठिकाणी रोज जेवण तयार करण्यात येतं। कमीत कमी 1000 लोकांचं या ठिकाणी जेवण दररोज तयार करण्यात येतं आणि लॉकडाऊनचा नियम पाळत सोशल डिस्टन्स ठेवून या ठिकाणी सर्वजण मास्क, तोंडाला मास्क लावून, हातात हँडग्लोव्स घालून या कमीत कमी 1000 लोकांना या ठिकाणी भोजन दान केलं जातं। काही काही वेळेला हा आकडा 1000 वरती म्हणजे 1200 ते 1500 पर्यंत हा आकडा जातो। या ठिकाणचं जेवण सुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारे बनवलं जातं, म्हणजे ज्या प्रकारे आपण घरी जेवण बनवतोय, घरच्यांसाठी आपण आपल्या बायको मुलांसाठी लेकरांसाठी जसं आपण जेवण बनवतो त्याच प्रकारचं जेवण या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रतीचं जेवण बनवून या ठिकाणच्या कॉलेजल्या या ठिकाणच्या या परिसरातल्या लोकांना हे जेवण वाटप केलं जातं। रोज या लोकांना पोटाला भरपेट अन्न सन्माननीय कार्यसम्राट नगरसेवक
सुरेशजी कुलकर्णी साहेब यांच्या माध्यमातून मिळतं आणि या शाखेच्या माध्यमातून या ठिकाणचे सर्व पदाधिकारी, सर्व शिवसैनिक, सर्व कार्यकर्ते पडेल ते काम अतिशय अंतकरणापासून मनापासून करतात। यहाँ पे जो कोरोना का बीमारी फैली हुई है भारत में या महाराष्ट्र में पूरे, इसका पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पे माननीय जी सुरेश जी कुलकर्णी साहब, इन्होंने खाना वाटा यहाँ पे रखा हुआ है। सब नागरिकों को व्यवस्थित खाना यहाँ पे बांटा जाता है। कम से कम 1000 से 1500 आदमी लोग को यहाँ पे खाना दिया जाता है मुफ्त। परिस्थिति आज यहाँ दुर्गम भागात आली आहे, अशी परिस्थिति जे आपले सन्माननीय सुरेश कुलकर्णी साहेबांनी त्यांच्या लक्षात घेऊन हातावर पोट असलेल्या लोकांना दररोज 1000-1200 लोकांना इथं जेवण वाटवत आणि तेही चांगलं जेवण जे असं स्वतः घरात बनवू शकतो असलं जेवण वाटप करतात हे लोक, आणि आम्हालाही त्यांच्यासोबत काम करायला खूप बरं वाटतं। आणि क्वारीवर बरेच क्वारी आहेत आमचे, त्यांच्या कसं आता पोट आहे सगळ्यांचं, त्याच्या इथून जेवण 1000 लोकांना आम्ही क्वारीवर नेऊन घेऊन जातो सगळ्यांना, सगळ्यांना जेवण देताना इथून आम्हाला आहे सगळं शेटच्या तुकडून भाजी बिजी सगळं येते। आणि सुरेश कुलकर्णी साहेबांनी परप्रांतीयांच्या गरजा लक्षात घेऊन आणि गोरगरिबांचा हातावर पोट असणाऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांनी अन्न वाटपाचा कार्यक्रम जो केला आहे, त्यात सगळे गरीब आणि गरजू माणसांना अत्यंत आनंद होत आहे की आज एक वेळेचं जेवण का होईना तर त्यांच्या हातातून निघून जात आहे, आणि त्यांच्याबरोबर बाकीचे सगळं कार्य करणारे लोक आहेत ते पण खूप मदत करत आहे, त्यामुळं गरजू लोकांना खूप त्यांचा हेवा असं वाटावा इतकं कौतुक त्यांनी काम केलेलं आहे।